हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और ये रेसिपी मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। तो आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों के साथ आज क्या शेयर करने जा रही हूँ। तो फ़िलहाल मैंने रात को ही यहाँ पर काबली चना भिगो कर रखा था। तो चने को भिगो कर रखने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा ज़रूरी होता है। अगर आपको शाम में या डिनर में बनाना है छोले, तो आप सुबह भिगो कर रख दें। अगर आपको मॉर्निंग में बनाना है तो आप रात में भिगो कर रख दें। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। इस छोले में अनियन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, उससे ये इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, और छोले में तीखापन के साथ प्याज से मीठापन भी आ जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि मैंने प्याज को जूलियन स्टाइल में काट लिया है, उसके बाद मैंने उसे साइड में रख लिया है। अभी मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने अभी बे लीव्स डाला है, तेज़पत्ता। उसके बाद मैंने उसमें क्यूमिन सीड्स डाला है, जीरा डाला है, उसके बाद उसमें मैंने हींग डाला है थोड़ा सा, 3-4 पिंच। इससे एक अच्छी सी फ्लेवर आ जाती है। उसके बाद मैंने जो प्याज को चॉप करके रखा था मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ देखें कि प्याज की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। थोड़े से छोले मैंने लिए हैं, उसमें इतनी सारी प्याज जाएंगी। तो यहाँ अनियन को मुझे चलाना है, और आप ध्यान दें कि अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। किसी भी सब्ज़ी में जिसकी ग्रेवी आपको येलोइस टाइप की चाहिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अनियन को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अनियन ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है, वो लाइट पिंक कलर की हो चुकी है। इसके बाद इसमें नमक ऐड करना है। मेक श्योर कि नमक मैंने छोले में भी ऐड किया है, उसमें भी डालकर मैंने एक सीटी लगाया है, बॉईल किया है उसको। उसके बाद थोड़ी सी ही हल्दी ऐड की है, ताकि बहुत ज़्यादा इसकी डीप कलर ना आए, लाइट कलर की लानी है मुझे इसकी कलर। फिर धीरे धीरे बाकी के मसालों को इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, काश्मीरी लाल, जिससे एक अच्छी सी कलर आ जाए, और थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की है रेगुलर लाल मिर्ची, जिससे एक तीखापन आ जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जीरा पाउडर लगभग 1 चम्मच, फिर इसमें धनिया पाउडर जाएगा लगभग 1 से 2 चम्मच। तो ये सारे मसाले इसमें जाते हैं, बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो धीरे धीरे इसमें डालकर फिर इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगभग 1 बड़े चम्मच गार्लिक और चिल्ली पेस्ट मैंने ऐड किया है, इससे एक बहुत अच्छी टेस्ट आती है। तो आप गार्लिक चिल्ली का पेस्ट ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी स्किप ना करें इसे, इससे एक बहुत अच्छी टेस्ट आती है। तो आप यहाँ देखिए कि सारे मसालों के कलर कितनी प्यारी आई है, बहुत प्यारा सा कलर आया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं जो छोले बॉईल करती हूँ यूजुअली, उसमें बहुत से लोग उसमें चाय पत्ती डालते हैं उसकी पैकेट बनाकर, बट मैं चाय पत्ती नहीं डालती हूँ, बिकॉज ऑफ कि मुझे उसकी कलर जो है चाय पत्ती डाली हुई बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको वो कलर पसंद हो तो आप उसमें बॉईल करने के टाइम में चाय पत्ती की एक छोटी सी पोटली बनाकर उसमें डाल सकते हैं और एक सीटी लगा सकते हैं, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी कलर भी और उसका टेस्ट भी। तो मैं होममेड जो कढ़ाई छोले हैं, मैं बिल्कुल उस टाइप से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच मैंने ऐड किया है छोले मसाले। मैं यहाँ यूज़ करती हूँ एवरेस्ट के छोले मसाले। उसके बाद जैसे ही 30 सेकेंड होते हैं मसालों को मेरे मिक्स करने के बाद, मैंने फटाफट उसमें 2 टोमेटो ऐड किए हैं। मेक श्योर कि मैंने लगभग 5 से 6 अनियन लिए थे, उसमें 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो मैंने ऐड किया है, ताकि एक अच्छी सी खट्टापन आ जाए। अगर आपको और खट्टी चाहिए तो आप लास्ट में अनार दाना ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल भी गल चुकी है, उसमें नमक गया है तो वो बिल्कुल गल चुकी है, और रेड चिली पाउडर और टमाटो के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही प्यारी सी कलर आ गई है। ये देखने में ही बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद अब बारी आती है इसमें छोले को ऐड करने की, यानी चिकपीस को इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप देखिए कि चिकपीस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है जितना मैंने अनियन लिया है। तो यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, मैंने इसमें चाय की पत्ती बिल्कुल भी ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे वो कलर पसंद नहीं है। अगर आपको वो पसंद है तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप उसको ऐड कर सकते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको जितनी भी क्वांटिटी में पानी चाहिए आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्रीन चिल्ली ऐड किया है मैंने। अब देखिए ग्रीन चिल्ली हमेशा ऊपर से डालने की कोशिश करें, उसकी एक अच्छी सी फ्लेवर आती है। फिर इसमें थोड़ी सी ही जुलियन स्टाइल में कटी हुई अदरक ऐड किया है। उसके बाद इसे थोड़ी देर ढक कर रख दें ताकि इसकी एक अच्छी सी फ्लेवर उसमें आ जाए। मेक श्योर कि मैंने अदरक का पेस्ट इसमें नहीं डाला है क्योंकि इसको ऊपर से डालना था। उसके बाद इसमें थोड़ी सी ही कसूरी मेथी लगभग एक छोटा चम्मच क्रश करके इसमें ऐड किया है। तो आप देखिए कि कितनी प्यारी कलर आई है इसमें, कितनी टेस्टी आई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको थिक या थिन रख सकते हैं, आपको ग्रेवी जितनी चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर छोले मेरे डन हो चुके हैं, मुझे जितनी थिक चाहिए मैंने उतना रख लिया है। उसके बाद गार्निशिंग के लिए ऊपर से कोरिएंडर लीव्स मैंने चॉप करके ऐड कर लिया है। आप यहाँ देखें एक अच्छी सी टेस्ट, एक अच्छी सी खुशबू के साथ बहुत ही प्यारी दिखने वाली छोले रेडी हो जाएंगे सर्व करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं गर्मा गर्म छोले मेरे रेडी हो चुके हैं। अब आती है इनकी प्लेटिंग करने की बारी। देखिए कितनी प्यारी सी कलर आई है इसकी, आपको इसमें कोई चाय पत्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनता है। प्लीज़ आप इस मेथड से इसको ट्राई करें। कढ़ाई छोले आपकी बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और लुक वाइज भी बहुत प्यारी दिखेंगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, उसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मेंशन कर रखे हैं। तो आप इसे फ़िलहाल ग्रीन चिल्ली की स्लाइसें काट कर और थोड़ी सी ही जिंजर की जुलियन ले लें और अनियन से इसको गार्निश कर सकते हैं। आप देखें यहाँ इसकी गार्निशिंग हो चुकी है, कितनी प्यारी कलर है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।